अबीर शादी के बीच मिष्टी को खोजने की कोशिश कर रहा है, जबकि यहाँ वह मिष्टी के बिना बेचैन है। अबीर चौंक जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि मिष्टी चली गई थी और मुंबई जा रही है। अबीर ऐसा नहीं होने दे सकता और इस तरह उसे रोकने और वापस पाने के लिए चार्ज लेता है और विश्वंभर से यह मदद लेता है। विश्वंभर ने मिष्टी को दूर भेज दिया था, लेकिन उसे मिष्टी पर पूरा भरोसा था कि वे अपने परिवार से दूर नहीं जा सकती और परेशान हो जाएगी। अबीर ने मिष्टी राजकुमार को उसके बाद जाने और उसे वापस पाने के लिए आकर्षक बना दिया। मीनाक्षी सभी योजनाओं में तेजी से उतार चढ़ाव कर रही है। अबीर पूरी शादी में मिष्टी को खोजने की कोशिश कर रहा था और इस बात से अनजान है कि मिष्टी चली गई थी। अबीर ये जानकर हैरान है कि मिष्टी अपने परिवार से दूर मुंबई जा रही है और वे ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। अबीर घोड़े की सवारी करता है और राजकुमार को मीशा को उससे दूर जाने से रोकने के लिए आकर्षक बनाता है। अबीर हवाई अड्डे पर मिष्टी के पास पहुंचता है और उसे बहुत नाटक और धमाका का सामना करना पड़ता है। अबीर और मिष्टी प्रेम उन्हें भाग नहीं लेने देंगे और प्यार के आलिंगन से एकजुट होंगे। अबीर और मिष्टी के जीवन में आगे क्या नाटक और धमाका का इंतजार है। अबीर मिष्टी को वापस ले जाता है और इस तरह उसे माहेश्वरी परिवार और कुहू के साथ एकजुट करता है। अबीर और मिष्टी खुश हैं। मिष्टी इस बात से खुश हैं कि वह अपनी बहन कुहू की शादी में शामिल हो रही हैं। अबीर मिष्टी के साथ समय साझा करने में खुश है और उसे खुश देखकर कुणाल मीनाक्षी सभी योजना फ्लॉप हो जाती है। यहाँ अबीर और मिष्टी की प्रेम कहानी शुरू हो जाएगी और चीजें हमेशा के लिए बदल जाएंगी। प्रेम के अबीर और मिष्टी रसायन को अधिक देखा जाएगा क्योंकि वे अधिक मिलेंगे और अपने प्रेम रसायन को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। अबीर अपने प्यार को भुगतने के लिए तैयार नहीं है और मिष्टी के साथ एकजुट होकर अपने प्यार का इजहार करने के लिए तैयार है।